यहाँ पे हो जाएगा आपका, आपको पता है फॉर्मूला ऑफ स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड कितनी आई है बेटा आपकी x माइनस 8, और आपके पास टोटल जो आपके पास सॉरी ये आ गया आपके पास स्पीड आ गया x माइनस 8 और टाइम आ गया 480 बाय x प्लस 3। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन का टाइम और सेकंड कंडीशन का प्लस 3 आवर और लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, विजिबल डिस्टेंस कितना था 480, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, x से पहले इस ब्रैकेट को, 8 से पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। सो x से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 480 बाय x को प्लस 3 को, और फिर माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 480 बाय x प्लस 3 को इज इक्वल टू 480। So, करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा आपका x into 480 is equal to 480 upon x, 480 के साथ भी x आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, x into 3 is 3x, 8 को आप 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 3840 by x और माइनस के 24, 8 3 जा 24 हो गया, कितना हो गया 24 is equal to 480। ठीक है, अभी यहाँ पे x से x कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा आपको 480 प्लस 3x माइनस 3840 बाय x बाय 24, माइनस की 24 इज इक्वल टू 480। ऑलराइट, देखो यहाँ पे 480 प्लस का है, वहां प्लस का अगर मैं इसको यहाँ लाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब कट जाएगा। तो जब भी आपको कोई टू टर्म्स दिखे दोनों तरफ हो, साइन सेम हो, तो उनको काट दीजिए, ये कट जाएगा। राइट डाउन 3x माइनस 4 अपॉन x इज इक्वल टू 24 हो गया। अब 3x माइनस 3840 x उस तरफ से लग गया तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 24 से, हो जाएगा 24x। नेक्स्ट हो जाएगा ऐसे मिल लो पहले यहाँ पे 1 और x कैल्सियम आ जाएगा आपके पास x, 1 से x पर बैठ के x, x into 3 हो जाएगा 3x square minus x, x कर गया तो इतना ही आ जाएगा 3840 24 and 3x square minus 3840 x हो जाएगा, तो जाएगा 24 multiply by x। यहाँ से quadratic equation आएंगे, vector बनाएंगे और हमारे पास speed आ जाएगी। दिस विल बिकम 3x square माइनस 3840 इज इक्वल टू 24x, एंड 24x को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, मतलब 3 कॉमन आ जाएगा यहां से, यहां पर 3 कॉमन आ गया, मतलब अंदर 3 से डिवाइड कर दो दोनों को, ऐसे इजी रहेगा ये। तो 3 से 3, 3 8 0 24 3 1 3 1 3 2 6 2 4 3 4 12 2 carry 3 8 4 0 ही रहेगा ना हमारे यहाँ पे 3 8 4 0 ठीक है 1 2 4 0 ठीक है 1 2 8 0 3 1 3 3 2 6 2 4 24 0 का 0। ठीक है, सो ये आ गया आपके पास x square माइनस 8x माइनस 1 2 8 0 और 0 बाय 3 वहां चला गया डिवाइड में। सो दिस विल बिकम x square माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहां से फैक्टर में जाना है तो बहुत इजी, यहाँ देखो ये सम होता है। ठीक है, ये जो बीच में टर्म होती है एक्चुअली इसको हम सम भी बोलते हैं, और ये जो होता है आप इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सम प्रोडक्ट का तो नया कंसेप्ट आएगा, आप जो पुराना कंसेप्ट आता है उसी से करिए, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए इसको, कांस्टेंट टर्म को तो 1 2 8 0 ही आएगा, 8 1 2 8 0 भी आप निकाल लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टर निकाल लीजिए। देखिए कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5 आ रहा है। ठीक है, अब देखो हमें 8x बनाना, तो इनको मल्टीप्लाई करके कॉम्बिनेशन बनेगा, तो बराबर बराबर डिवाइड कर लेते 4 वही कितना 5 चलो 5 कर लो और 4 कर लो, तो टोटल 4 2 4 8 2 8 16 2 16 32 या क्या आपका 32 यहां तक मल्टीप्लाई कर देगा। इसके नेक्स्ट में 5 10 और 2 10 20 और 2 20 40,
अब देखो 32 और 40 बन रहा है मैक्सिमम, जहां पे छोटे छोटे नंबर बहुत से हैं वहां पे आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है, आधे आधे नंबरों या एक ज्यादा ले लो ऊपर या पांच ऊपर से ले लो चार नीचे से ले लो, आपके पास वहां मल्टीप्लाई करके डिफरेंस 8 बचना चाहिए। अब डिफरेंस 8 बचना 32 और 40 में, इसको हम इसको क्या लिखेंगे, बाइटर के साथ क्या आएगा आपका माइनस, तो माइनस 40x फिर प्लस के 32x लिख लीजिए और माइनस 1280 यहां से कॉमन निकालो, यहां से कॉमन निकालो, यहां पे x कॉमन आ रहा है अंदर x माइनस 40 बच जाएगा, ठीक है, यहां प्लस का 32 कॉमन आएगा अंदर बच जाएगा x और प्लस माइनस फिर से माइनस का और ये फिर से 40 से जाएगा, 32 40 जाते कॉलम 80, अगर आपने फैक्टर को सही निकालेंगे तो बिल्कुल सही कटेगा, x प्लस 32 आ गया आपके पास और x माइनस 40 आ गया आपके पास इज इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू निकालो, जो रूट से हमको निकाल लेते हैं, तो दिस विल बिकम x इज इक्वल टू माइनस 32 एंड x इज इक्वल टू 40। देखो एक x आया माइनस 32 और एक x आया 40, तो आपको पता है x क्या मान होती है स्पीड, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो हम क्या लिखेंगे, therefore speed cannot be negative, so therefore speed of train is equal to 40 km per hour answer. Now move to the next exercise, exercise 4.2 question number 1. So basically exercise 4.2 का क्वेश्चन हुआ है find the roots of the following quadratic equation by factorization, कभी भी roots की बात हो रही हो तो हम वही roots मतलब आपने factor निकालने हैं, मतलब middle term को split करके निकालने हैं, factorization method जहां पे आ जाएगा तो उसका मतलब होता है middle term को split करके, तो हमेशा middle term split होती है quadratic equations की, ठीक है। So आपको first part है तो लिखिए given that x square minus 3x minus 10 is equal to 0, is equal to 0. So, क्या बताया मैंने आपको, रफ साइड में आपने ये काम कर लेना है, x कोफिशिएंट लेना है, x कोफिशिएंट मतलब प्रोडक्ट लेना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो प्रोडक्ट होता है कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट और ये होता है बीच वाला सम होता है, ठीक है, ये सम ऑफ जीरो और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को बोलते हैं, इसको हमने प्रीवियस किया था। सो दिस विल बिकम वन, आपने बस सिंपली याद रखना कितना आ जाएगा 10 माइनस 3 लगाना है आपने, ठीक है, तो 10 के टू फैक्टर होता है 2 और 5, तो 2 और 5 से 3 कैसे बनेगा माइनस करके, अब बड़ा माइनस का साइन 3 के साथ कौन साइन है माइनस का, तो बड़े के साथ कोई साइन लगेगा माइनस का, तो फर्स्ट आपने बड़े लिखे तो ये बनेगा माइनस 5x प्लस के 2x, तभी माइनस होगा, अगर माइनस माइनस कर देगा तो प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बिकम x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x कॉमन आ रहा है अंदर बच जाएगा x माइनस 5, यहां पे 2 कॉमन आ रहा है अंदर बच जाएगा x माइनस 5 बिकॉज 2 5 का 10, सो आपके फैक्टर आ गए बेटा, एक आ गया x प्लस 2 और एक आ गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 5, ठीक है, सो ये आपके टू रूट्स आ गए, आपको रूट्स निकालने के लिए बोले थे, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं, इस क्या लिख सकते हैं, द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक these are the roots of given quadratic equation. Same second question, है बेटा आपके पास 2x square plus x minus 6 is equal to 0, same वही कोफिशिएंट x का 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस साइन इन हैंड, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, यही के वाले फैक्टर होता है 2, 2, 3, 2, 2 जा 4 और 3, 4 और 3 से कैसे बनेगा बेटा x, तो 4x 3x क्या करेंगे माइनस में, तो बेटर में प्लस का साइन छोटे के साथ माइनस का साइन, तो 4x और 3x आपके रूट्स आ गए, तो रिप्लेस कर दो बेटा,
4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कॉमन निकालो यहां से बेटा क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है देखो 2 के टेबल में 2 भी आता है 4 भी आता है और एक एक कम से कम x कॉमन आ रहा है तो अंदर बच जाएगा 1x प्लस 2 2 जब 4 हो गया तो 2 बच जाएगा एक x को कॉमन ले लिया बाहर यहां पे क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है तो क्या बच जाएगा x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस k 2 इज इक्वल टू 0 ठीक है तो ये एक फैक्टर आ गया आपके पास 2x माइनस 3 एंड दूसरा आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 सो दोनों के x की वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों ही रूट्स निकाल लेते हैं इनको रूट्स भी बोलते हैं और फैक्टर भी बोलते हैं ठीक है 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 3 बाय 2 एंड आंसर लास्ट में लाइन में हैंस दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इक्वेशन इक्वेशन नहीं इक्वेशन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 3 इज राइट डाउन गिवन दैट